Good morning, Yoni classes. Good morning, ma'am, and good morning, all my friends who are watching this video. My name is Arna Yadav. मेरा SSC 2023 से 2024 वाले बैच में सिलेक्शन हुआ है. SSC सेक्टर 10 द्वारका स्कूल मुझे अलॉट किया गया है. मेरा स्टेम में हुआ है तो योनि क्लासेस ने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे, जिनका आंसर मैं अभी आपको दूंगा. पहला क्वेश्चन ये है कि SSC का स्कूल कैसे बाकी स्कूलों से अच्छा है, उसकी एक क्वालिटी. तो SSC का स्कूल बाकी स्कूलों से अच्छा है क्योंकि उसमें हमें अभी से JEE और नीट की प्रिपरेशन करवाई जाती है. अलग से हमें क्लासेस दी जाती है जिसमें हमें लैमस क्लास का भी समझाया जाता है. ये टीचर्स भी बहुत पोलाइट है और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है. तो सेकंड क्वेश्चन ये है कि SSC स्कूल में क्लासेस कैसे होती है, टीचर कैसे हैं, लैब यूज़ करवाते हैं हमें. तो SSC में क्लासेस नॉर्मल स्कूलों की तरह ही होती है. टीचर पढ़ाते हैं और बच्चे पढ़ते हैं. टीचर भी बहुत ज़्यादा पोलाइट है, बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं. और लैब भी NCERT से बहुत यूज़ करवाते हैं. जैसे NCERT में जो हमें स्कूलों में एक्टिविटी करवाते थे, एक्टिविटी पढ़वा के छोड़ देते थे, वैसे स्कूल में हमें एक्टिविटी करवाई जाती है. स्टेम की प्रिपरेशन AFPS में कैसे हेल्प मिली? स्टेम की प्रिपरेशन से AFPS में बहुत हेल्प मिली. स्टेम में मैथ्स और जो साइंस है उसकी प्रिपरेशन में, मतलब जो हमें 8th का पढ़ाया गया था, मतलब स्टेम की मैंने ज़्यादा प्रिपरेशन करी थी, लेकिन AFPS का पेपर थोड़ा ईजी आया था, जिसकी वजह से AFPS में मेरा काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली थी मुझे स्टेम की वजह से. अगला स्टेम AFPS एंड I-21 को एक साथ कैसे मैनेज किया? स्टेम AFPS I-21 में तो एक कॉमन सब्जेक्ट है रीजनिंग, और तो उसी को मैंने मतलब बेसिक लेकर चला और बेसिक से मैंने स्टार्टिंग करी. पहले मुझे रीजनिंग कम आती थी, पहले मैंने सीखी हुई थी, पहले मैंने मतलब इन तीनों का प्रिपरेशन करी. सबसे पहले जैसे मेरे पास डेट शीट आई, मैं सबसे पहले I-21 ही करी. I-21 AFPS की, फिर मैं स्टेम को उस टाइम पर नहीं करा क्योंकि स्टेम का पेपर बाद में था. फिर जब इनका पेपर ख़त्म हो गया तो मैंने स्टेम का प्रिपरेशन करा. मेन मोटिव मेरा स्टेम था, इसलिए मैं स्टेम पे ज़्यादा फोकस करा. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेम के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसी थी? स्टेम के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मैंने जैसे स्टेम का योनि क्लासेस मैम ने हमें बताया था कि जो स्टेम में मतलब 8th क्लास की NCERT आएगी साइंस और मैथ्स की, तो मैंने वो NCERT वो डिटेल में पढ़ी और ऐसे ही पढ़ा था मैंने. और रीजनिंग तो ऐसी नॉर्मल बुक्स आती है उनसे करी थी. स्टेम की एक ऑफिशियल बुक भी आती है आर गुप्ता के नाम से, अमेजोन पे अवेलेबल है, उससे भी मुझे हेल्प मिली थी. AFPS में जनरल साइंस और जनरल सोशल साइंस में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं? AFPS में जनरल साइंस ही थी, जनरल सोशल साइंस तो नहीं थी. तो इसमें ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन आए थे AFPS में जनरल साइंस में, जैसे कि मतलब बहुत इजी थे जो हमें क्वेश्चन आंसर्स वगैरह होते हैं NCERT उनमें से. लेकिन स्टेम में ऐसे क्वेश्चन है, स्टेम में बुक के बीच में से क्वेश्चन आए थे. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर स्टेम एंड AFPS. स्टेम और AFPS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. जैसे स्टेम का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैथ्स में, मतलब मैथ्स के तो सारे चैप्टर हैं, साइंस में कुछ चैप्टर हैं जो करने के लिए नहीं है, जैसे कि जिनको नहीं करें तो भी हो सकता है. एक चैप्टर है वो सिंथेटिक फाइबर्स फॉर क्रॉप एंड इट्स प्रोडक्शन, सिंथेटिक फाइबर्स ये वाला चैप्टर. और लास्ट के सेकेंड चैप्टर सोलर सिस्टम एंड लास्ट चैप्टर, ये दोनों मतलब करने की जरूरत नहीं है, बाकी तो मिसेस आए थे क्वेश्चंस. रीजनिंग के क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं और हमारे वीडियो से कैसे हेल्प हुई? रीजनिंग क्वेश्चन ईजी आते हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं आते, तो इतना बर्डन देने की जरूरत नहीं है रीजनिंग पे. स्टेम में बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं और योनि क्लासेस की वीडियोस में मुझे बहुत हेल्प मिली. कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जो इन्होंने करवाए थे, जो इन्होंने बोला था कि ये पक्के क्वेश्चन हैं तो वही आए थे. I-21 डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं? कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं इंक्लूडिंग करने? ये डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन तो इसमें मतलब इंपॉर्टेंट होते हैं. जैसे हमारे उसमें आया था, ये डोमेन स्पेसिफिक मतलब होते हैं, जैसे I-21 है तो इसमें हमें कंप्यूटर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे और थोड़ी बहुत न्यूज़ आएगी. जैसे मेरे में आया था कि ना मेरे में क्वेश्चंस ऐसे आए थे जैसे न्यूज़ के हिसाब से, जैसे मनीष मल्होत्रा कौन है, ऐसा क्वेश्चन आया था मेरे में. डिज़ाइनर है, इंजीनियर है, क्या है? तो उसमें आंसर था डिज़ाइनर. बस ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक तो न्यूज़ करके चले जाना पिछले 6 मंथ्स की, और कंप्यूटर करके चले जाना. स्टेम क्यों चूज़ किया? मुझे अपना गोल स्टेम में ही दिखाई देता है क्योंकि मुझे एक स्पेस साइंटिस्ट बनना है,
तो स्टेम मेरे लिए बढ़िया ऑप्शन है, मुझे बड़ा कि साइंस स्ट्रीम लेनी है, इसलिए मैंने स्टेम यूज़ किया। जेई नीट की प्रिपरेशन होती है एसएससी में, हाँ जेई नीट की प्रिपरेशन होती है एसएससी में। अभी से हमें मतलब 11th का पढ़ाया जा रहा है एडवांस मैथ और एडवांस साइंस के थ्रू। हमें बीएमसी के मॉड्यूल्स भी दिए जाते हैं, जिससे हम यहाँ पे बीएमसी की कोचिंग होती है, होती है 11th और 12th के लिए ऑफलाइन। हमें हमारे स्कूल के टीचर्स पढ़ाते हैं एडवांस मैथ एंड साइंस, हमें मतलब हमारे लेवल से बस थोड़ा हाई लेवल करवाए जाते हैं। स्कूल में इंग्लिश यूज़ करते हैं या हिंदी में, लेक्चर हिंदी में देते हैं या नहीं? स्कूल में मतलब स्कूल हमारा बाइलिंगुअल है, तो इसमें टीचर हमसे पहले पूछते हैं आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हों। हम तो टीचर तो हमें बाइलिंगुअल ही पढ़ाते हैं, मतलब थोड़ी बहुत इंग्लिश थोड़ी बहुत हिंदी। एनसीईआरटी बुक्स यूज़ कराते हैं या कोई नोट्स? वैसे हमारा जो स्कूल में हमारा जो डोमेन है वो डीबीएससी बोर्ड है, दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। केजरीवाल जी ने नया बोर्ड लॉन्च करा है, वाला बोर्ड है यहाँ पे, तो इन्होंने मतलब हमें वहाँ पे डीबीएससी बोर्ड करवाते हैं, वो हमें वहाँ डीबीएससी से सिलेबस बन के आते हैं जो हमें यहाँ पे आता है जिन्हें हम करते हैं। एनसीईआरटी बुक्स भी करवाते हैं, ऐसा नहीं है कि मेन फोकस उनका डीबीएससी पे रहता है। अब डीबीएससी के मतलब यूनिट्स ख़त्म हो जाएगी तो एनसीईआरटी करवाएंगे। एग्जाम सेमेस्टर वन कब से होंगे? एग्जाम सेमेस्टर वन अभी तो हम बता ही नहीं गए हैं, लेकिन अभी बता रहे हैं इनमें जैसे हमारे 6 यूनिट्स होते हैं तो 3 यूनिट्स के बाद ख़त्म होंगे। हमारी फर्स्ट यूनिट अभी थी मई एंड जून में, अब फर्स्ट यूनिट ख़त्म हो गई, हमें छुट्टियाँ पड़ गई, तो अगली यूनिट होगी फिर ऐसे 3 यूनिट्स होगी उसके बाद होंगे हाफ सेमेस्टर। कैसे लग रहा है एसएससी में एडमिशन लेके? एसएससी में एडमिशन लेके तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो गया है और मैंने जिस चीज़ के लिए मैंने मेहनत करी थी वो मेरा हो गया है। योनी क्लासेस से एसएससी में लिखते हैं, योनी क्लासेस से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी एसएससी की प्रिपरेशन में, मतलब इन्होंने जो क्वेश्चन बताए थे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे से ही क्वेश्चन आए थे, सेम वे तो नहीं आए थे लेकिन वैसे से ही आए थे, तो मैंने उन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर दी, इनकी वजह से मेरा स्टेम में हो गया। वही आपकी स्ट्रेटजी जो आपने फॉलो की कम टाइम में तो मैंने ये स्ट्रेटजी फॉलो करी थी कि मैं जो आपका स्कूल है ना स्कूल में जाकर पढ़ाएंगे, तब तब होते जब फाइनल एग्जाम होते, तो स्कूल में तो आपकी रिविजन हो रही होगी उस पर आप ध्यान तो देंगे ही साथ साथ, और इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल में पढ़ना है, इसमें स्कूल की चीज़ें आती ज़्यादा हाई लेवल नहीं आता। तो ये क्वेश्चन मुझे जो क्लासेस ने पूछे थे इनका आंसर मैं अभी आपको दे चुका हूँ, तो थैंक यू।